हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो दोस्तों, आप में बहुत सारे लोग VPN के बारे में पूछते हैं, VPN क्या होता है, VPN कैसे वर्क करता है। बहुत सारे लोगों को आप में से नहीं पता होता कि VPN क्या चीज़ है, तो हम उसे पूछते हैं कि कैसे हम ब्लॉक्ड वेबसाइट्स को असेस कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि मैं BSNL का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यूज़ कर रहा हूँ, मेरा जो नेट है घर पर वो BSNL का है। मान लो कोई वेबसाइट है जो BSNL ने ब्लॉक कर दी है, तो उस वेबसाइट को मैं कैसे असेस करूँ, कैसे उस वेबसाइट को मैं विजिट करूँ। बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जिनको VPN के बारे में पता होता है, फिर भी वो पूछते हैं कि अगर मैं VPN यूज़ कर रहा हूँ, मुझे कैसे ट्रेस किया जा सकता है अगर मैंने VPN यूज़ करके अपना IP एड्रेस बदल लिया। सपोज मैं अभी इंडिया में हूं, मैंने VPN लगा के अपना IP एड्रेस USA का कर लिया, तो मैं कैसे कोई मुझे ट्रेस कर सकता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आपने क्रिप्टोग्राफी सीरीज नहीं देखी है तो मैं आपको बताऊंगा, देख लो, बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स SSL वगैरह कवर कर दिए गए हैं। और दोस्तों देखो, अब क्या होता है, मान लो कि मुझे एक वेबसाइट विजिट करनी है facebook.com, तो जो मेरा ब्राउजर है से गूगल क्रोम या फिर मोजिला, जो भी मैं यूज कर रहा हूं, वो है क्लाइंट। जो सर्वर मुझे असेस करना है वो है facebook.com, ठीक है। क्लाइंट बेसिकली टूल कह लो या सॉफ्टवेयर कह लो या ब्राउजर, जो भी है, जो रिक्वेस्ट भेजता है ना, जो सॉफ्टवेयर, वो क्लाइंट होता है। इस केस में गूगल क्रोम हमारा क्लाइंट है जो रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को। तो दोस्तों, मैंने एक रिक्वेस्ट भेजी facebook.com को, बेसिकली मैं उसे असेस करना चाहता हूँ। जो वो रिक्वेस्ट होगी ना, वो सीधे ढंग से नहीं जाती उसके पास कभी, ये नहीं कि मैंने भेजी और उसके पास चली गई। नेटवर्क बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है हमारा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। बीच में हब्स होते हैं, स्विच होते हैं, रूटर्स होते हैं, ब्रिज होते हैं, बहुत कुछ होता है दोस्तों, बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड हमने बनाया। लेकिन ये वीडियो है VPN से रिलेटेड और हम रखना चाहते हैं इसे सिंपल, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको नेटवर्किंग की वीडियोज़ में धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो बाकी चीज़ों को हटाते हैं, हम कंसंट्रेटेड रहेंगे रूटर्स पे, ठीक है। तो दोस्तों देखो, बीच में बहुत सारे रूटर्स होते हैं। बेसिकली एक रूटर होता क्या है, नाम से क्लियर है दोस्तों, रूटर। रूट क्या होता है दोस्तों, रास्ता। रूटिंग क्या होता है, रास्ता बनाना। रूटर बेसिकली, बहुत सारे रूटर्स हैं बीच में, ये बेसिकली क्या करेंगे, मैंने एक डाटा पैकेट भेजा है जिसको जाना चाहिए facebook.com पे, ये वो रास्ता बनाएंगे। सब एक रूटर दूसरे रूटर पे भेजेगा डाटा पैकेट को, दूसरा रूटर अगले रूटर पे भेजेगा, ये एक कलेक्शन बनाएंगे, मतलब कि पूरा रास्ता बना देंगे जिससे वो डाटा पैकेट facebook.com को पहुंच जाएगा। जो रूटर होता है ना दोस्तों, उसके अंदर टेबल बना होता है, उसके अंदर कुछ कंडीशंस लिखी होती हैं, एक पूरा बड़ा टेबल होता है, डिस्टेंस वैल्यूज होती हैं, कॉस्ट वैल्यूज होती हैं, बहुत कुछ होता है। तो दोस्तों, जो मान लो कि मैंने एक डाटा पैकेट भेजा है, वो यार वो तो यूं ही घूमता, ऐसा भी तो हो सकता है इतने सारे रूटर्स हैं वो यूं ही घूमता रहे उनके बीच में, वो कभी facebook.com तक पहुंच ही ना पाए। तो बेसिकली ये रूटर्स इस ढंग से बनाए गए होते हैं, इस ढंग से सब कुछ डिज़ाइन किया होता है, इनके अंदर जो टेबल्स वगैरह लगे होते हैं इस ढंग से सब कुछ बनाया गया है कि ये पहुंच जाए facebook.com के पास। रूटर्स के और भी बहुत सारे यूजेज हैं दोस्तों, दो अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करने का बहुत सारे यूजेज हैं, धीरे धीरे आपको नेटवर्किंग की वीडियोज़ में क्लियर हो जाएगा। देखो दोस्तों, इंटरनेट कुछ ऐसा है, यह है मेरा कंप्यूटर सिस्टम, मेरा क्लाइंट ही है सर्वर जिसे मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ। मैंने एक कमांड भेजी, तो देखो वो कुछ ऐसे गई, बहुत सारे रूटर्स हैं, देखो कैसे जाल बना हुआ है रूटर्स का। इस रूटर से गई यहाँ पे, इस रूटर से गई यहाँ पे, फिर गई यहाँ पे, फिर गई यहाँ पे, फिर गई यहाँ पे, फिर यहाँ पे चली गई। तो दोस्तों चलो आपको एक कुछ रियलिस्टिक बातें बता देता हूँ इसके बारे में। देखो दोस्तों, मान लो कि ये एक पाथ है जो सेलेक्ट हो चुका है, जो मैंने कमांड भेजी थी मेरे कंप्यूटर से सर्वर तक, वो कुछ ऐसे गई इस पाथ पे। मान लो कि ये वाला जो रूटर है दोस्तों, ये ख़राब हो जाता है, किसी भी कारण से ख़राब हो जाता है, यहाँ पे कुछ भी हो जाता है, ये रूटर हटा दो, कुछ ख़राब हो गया, ये हुआ वो हुआ, कोई अटैक हो गया, तो क्या होगा, ये पाथ बदल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, अब आपको कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कैसे वो रूटर्स वर्क करते हैं। दोस्तों एक चीज़ याद रखना, कोल्ड वॉर की सिचुएशन थी उस टाइम जब इंटरनेट बना था, और उसकी वजह से दोस्तों ये सब चीज़ें पहले से सोची गई थी कि मान लो कि एक बीच का हब कोई ख़राब हो जाता है, कोई रूटर ख़राब हो जाता है, कुछ भी ख़राब हो जाता है, तो कैसे चीज़ें हैंडल होगी। तो अभी आपने देखा होगा कि अगर एक रूट ख़राब होती है तो दूसरी रूट ऑटोमेटिकली बन जाती है। अब दोस्तों मान लो कि आप एग्जैक्ट पाथ पता करना चाहते हो कि जैसे मैं youtube.com, facebook.com, foodpanda, paytm, कोई भी वेबसाइट अगर मैं विजिट कर रहा हूँ, तो मेरे ब्राउज़र, मेरा जो मतलब गूगल क्रोम, मोज़िला, जो मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, उस ब्राउज़र से लेकर उस वेबसाइट तक का एग्जैक्ट पाथ कौन सा होगा, क्या क्या चीज़ें बीच में आएंगी। तो चलो दोस्तों, आपको एक बार लैपटॉप पर कुछ दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, मैं एक कमांड लिखता हूँ, tracert foodpanda.com। तो दोस्तों ये पूरा
सीक्वेंस आ जाता है, मतलब ये पूरा फ्लो आ जाता है डाटा का, डाटा कहाँ से कहाँ तक फ्लो कर रहा है, कैसे कैसे फ्लो कर रहा है। दोस्तों जो सबसे पहले आया ये मेरे रूटर को रिप्रेजेंट करता है 192.168.1.1, ये दोस्तों जो लास्ट में आया ये है फूड पांडा। और आप भी दोस्तों ये बिल्कुल सिंपल कमांड है, जैसे ट्रेसर्ट आप कोई भी यहाँ पे वेबसाइट लिख दो, जैसे google.com कुछ भी जो आपके दिमाग में है लिख दो, paytm.com, आपको पूरा पाथ मिल जाएगा। थोड़ा टाइम लेगा ये। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता था। देखो दोस्तों जो हमारा डाटा पैकेट्स जाते हैं, मतलब कि मेरे क्लाइंट से लेकर facebook.com तक किसी वेबसाइट तक, तो बीच में बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमें मॉनिटर किया जा सकता है। अब जो मेरे खुद का, जैसे मेरा BSNL का नेट है, तो जो मेरे खुद के प्रोवाइडर्स हैं उनके पास खुद का कोई हब है, वो मुझे मॉनिटर कर सकते हैं, वो देख सकते हैं मैं कौन कौन सी वेबसाइट विजिट कर रहा हूँ, मैं क्या क्या कर रहा हूँ, वो मुझे इजीली मॉनिटर कर सकते हैं। और ऐसी और भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं, मान लो कोई हैकर है किसी एक पार्टिकुलर रूटर पे या किसी पार्टिकुलर एक हब पे अटैक करता है, तो मेरा जो डाटा वहाँ से पास हो रहा है वो पूरा डाटा उस डाटा को मॉनिटर कर सकता है, या वो खुद गवर्नमेंट चाहे तो वहाँ पे इक्विपमेंट्स लगा सकती है स्पेशल, वो सारा डाटा मॉनिटर कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं खुद एक आइडिया लगाता हूँ, मैं जो facebook.com है उसको एक बेटर मेथड से सर्व करूँगा, उसी वेबसाइट को विजिट जरूर करूँगा लेकिन एक बेटर मेथड से। अब मैं क्या करता हूँ, खुद का एक प्राइवेट सर्वर लेता हूँ, वो प्राइवेट सर्वर कहीं भी हो सकता है दोस्तों, इंडिया में हो सकता है, इंडिया से बाहर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, मान लो कि वो प्राइवेट सर्वर इंडिया में कहीं रखा हुआ है भाई। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, हमारा दोनों का सिस्टम इस ढंग से है, क्योंकि SSL वगैरह में आपने देखा भी होगा, SSL वगैरह वीडियोस में हम कैसे कैसे अलग अलग बेटर क्रिप्टोग्राफी से अलग अलग बेटर चीज़ें बना सकते हैं। हमारे बीच में क्या है, मेरे और मेरे सर्वर के बीच में, फेसबुक के सर्वर को भी हटा दो उसको हम बाद में विजिट करेंगे, मेरे क्लाइंट और मेरा खुद का जो सर्वर है उसके बीच में क्या है कि एक पाइप बन जाती है। जैसे ही मैं उसको कमांड भेजता हूँ कुछ कमांड्स पास होती हैं, एक टनलिंग बन जाती है। बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसको हम वो टनल बनाने के लिए यूज़ करते हैं, एक सुरंग कह लो, एक पाइप कह लो, एक पाइप बन जाती है दोस्तों, जो हमारा डाटा है, हमारा जो इंट्रैक्शन है वो पूरा उस पाइप के थ्रू होता है, जो मैं डाटा उसे भेजूंगा और जो वो डाटा मुझे भेजेगा उस पाइप के थ्रू होगा, और बीच में कोई भी तीसरी पार्टी, जितनी भी वो चीज़ें बीच में थी, हमने देखा अभी कितने सारे रूटर्स हैं बीच में, वो उस डाटा को कभी मॉनिटर नहीं कर सकते। वो डाटा पूरा मतलब एक तरह से बिल्कुल सिक्योर वे में जा रहा है, एक बेसिकली कह लो एक पाइप से जा रहा है जिस पाइप को तोड़ा नहीं जा सकता, जिस पाइप में कोई घुस नहीं सकता। मेरे और मेरे प्राइवेट सर्वर के बीच में, मेरी लाइन ध्यान से सुनना, मेरे और मेरे प्राइवेट सर्वर के बीच में। और दोस्तों सिर्फ वो पाइप ही नहीं, वो पाइप तो है ही है, वो पाइप भी बहुत सिक्योर है, उस पाइप के अंदर जो डाटा है वो भी एनक्रिप्टेड है। मतलब देखो जो VPN होता है दोस्तों मेरा, देखो VPN में क्या होता है, बेसिकली एक होता है क्लाइंट, ठीक है, जो यूजली एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, एक ऐप भी हो सकता है, जो भी होगा, एक क्लाइंट, क्लाइंट वही चीज़ होती है जो रिक्वेस्ट देती है, ठीक है, एक क्लाइंट है और एक सर्वर होता है, दो चीज़ें होती हैं। तो इनके बीच में एक सिस्टम होता है, इनके बीच में कन्वर्सेशन होती है, वो सारी टनल के थ्रू होती है, जो टनल होती है वो बहुत सिक्योर होती है, उसे किसी भी प्रोटोकॉल से बनाया जा सकता है, ऐसे बहुत सारे मतलब प्रोटोकॉल्स हैं जिससे उसे बनाया जा सकता है, वो बहुत सिक्योर पाइप होती है, और उसके बीच में जो डाटा होता है वो एनक्रिप्टेड होता है। मतलब VPN में दो चीज़ें होती है, डाटा एनक्रिप्टेड भी होता है और टनलिंग भी होती है। अब जो facebook.com है दोस्तों, मैं इसको कैसे असेस करूँगा, जैसे मुझे facebook.com खोलना है, पहले मैं कनेक्शन बनाऊँगा अपने प्राइवेट सर्वर के साथ, जो मेरा खुद का प्राइवेट सर्वर था, और इस सर्वर से फिर facebook.com को रिक्वेस्ट भेजी जाएगी, facebook.com से दोबारा इसके पास रिक्वेस्ट आएगी, वो रिक्वेस्ट फिर मेरे पास आएगी, मतलब ये जो सर्वर है ये बीच में हमेशा रहेगा। और जो facebook.com है दोस्तों उसको इस सर्वर का IP एड्रेस मिलेगा, मेरा IP एड्रेस नहीं मिलेगा। मेरी बात दोबारा से सुन लो दोस्तों, मेरे क्लाइंट के बीच में, ठीक है, और मेरे सर्वर के बीच में, जो मेरा लैपटॉप है और मेरा सर्वर, ऐसे मान लो सिंपल ढंग से, मेरे लैपटॉप और मेरे सर्वर के बीच में टनलिंग थी, डाटा पूरा एनक्रिप्टेड था, ठीक है, सर्वर और facebook.com इनके बीच में टनलिंग नहीं है, इनके बीच में जो नॉर्मल कन्वर्सेशन होती है ना वैसी ही कन्वर्सेशन है। ऑब्वियसली अब आप सोच रहे होंगे फेसबुक SSL है तो एनक्रिप्शन होगा दोनों के बीच में, ठीक है, वो एनक्रिप्शन यहाँ पे भी हो गया, वो एनक्रिप्शन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, एक तो VPN ने जो एनक्रिप्शन बनाया और एक जो फेसबुक का ऑलरेडी जो एनक्रिप्शन था, ठीक है, मतलब जो भी है, मान लो कि कोई ऐसी वेबसाइट ले लो जिस पे एनक्रिप्शन है ही नहीं, जो प्लेन वेबसाइट है जिस पे HTTPS नहीं है ऊपर, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, सर्वर और उस वेबसाइट के बीच में बिल्कुल प्लेन कन्वर्सेशन होगी, बिल्कुल प्लेन, उसे कोई भी उसमें बीच में मैन इन मिडल अटैक कर सकता है, वो डाटा एक्सट्रैक्ट करके पढ़ सकता है इन दोनों के बीच में, ठीक है, लेकिन मेरे और सर्वर के बीच में
जहाँ से जो ना मेरे और सर्वर के बीच में टनलिंग है, प्रॉपर जो प्रॉपर एनक्रिप्शन है, इस पॉइंट से डाटा एनक्रिप्ट होता है, मेरे पॉइंट पे डिक्रिप्ट होता है, मेरे पॉइंट से एनक्रिप्ट होता है, सर्वर के पॉइंट पे डिक्रिप्ट हो जाता है, इस टाइप से कन्वर्सेशन चलती है। देखो दोस्तों, जब भी तुम किसी VPN वेबसाइट पे अकाउंट बनाते हो या कोई VPN सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, जो भी यूज़ करते हो, जो सारी डिटेल्स शेयर होती हैं वो बेसिकली उस VPN सर्वर की होती हैं, जो तुमने सर्वर यूज़ किया था, जो वेबसाइट विजिट की गई है वहाँ पे जो सारी इन्फॉर्मेशन आई IP की, वो उस VPN सर्वर की होगी। जब उसका ISP निकाला जाएगा तो वो भी उस VPN सर्वर का ही होगा। बेसिकली तुम पता है क्या सिस्टम होता है, जैसे एक तो मेरा घर है और एक होटल है। जब मैं होटल में जाता हूँ तो मैं अपना ID प्रूफ वगैरह सब कुछ डिपॉजिट करता हूँ, ठीक है, जो होटल को रखना होता है, ठीक है, क्योंकि भाई मैं सारा उनके यहाँ रह रहा हूँ, कुछ भी बात होगी तो वो रिस्पॉन्सिबल है ना। तो ऐसे ही VPN कंपनी रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर आप मान लो मैं VPN यूज़ करके कुछ भी कर रहा हूँ, कुछ भी नोटोरियस कर रहा हूँ, VPN कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कि मेरे ओरिजिनल IP एड्रेस डिटेल्स और सारे ओरिजिनल लॉग्स रखे। मतलब जो VPN होता है वो दोस्तों इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि आपको एनोनिमिटी मिले, प्राइवेसी मिले और सिक्योरिटी मिले, बीच में कोई मैन इन मिडल अटैक ना करे, बीच में किसी को पता ना चले आप कौन कौन सी वेबसाइट सर्व करते हो, आप क्या क्या करते हो। और कई बार हम चीज़ों को अनब्लॉक करने के लिए, मान लो एक वेबसाइट है वो इंडिया में ब्लॉक्ड है, मैंने VPN यूज़ कर लिया USA का, ठीक है, मेरे को USA का एक मतलब कि प्राइवेट सर्वर का एक्सेस मिल जाएगा। तो जब मैं वो प्राइवेट सर्वर का एक्सेस मुझे मिल चुका है, तो क्योंकि वो वहाँ से ये रिक्वेस्ट भेजी जाएगी उस वेबसाइट पे, USA के एक IP एड्रेस से वो रिक्वेस्ट जाएगी, USA में वो ब्लॉक नहीं है तो वेबसाइट विजिट हो जाएगी, तो इनडायरेक्टली मैं उस वेबसाइट को विजिट कर पाऊँगा। दोस्तों मैं हूँ एक वेबसाइट पे जिसका नाम है whatismyip.com, आप इसको गूगल पे इजीली ढूंढ लेंगे, whatismyip लिखेंगे तो ये वेबसाइट आ जाएगी। दोस्तों देखो मेरी यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं, मेरा जो ISP है वो है BSNL का, और ये सिटी वगैरह ये एक्यूरेट नहीं दिखा सकता क्योंकि ISP के कॉरस्पॉन्डिंग दिखाता है। तो दोस्तों अब देखो मैं अपना IP एड्रेस चेंज करना चाहता हूँ, अब मैं होला को ऑन करता हूँ, ये एक फ्री VPN है होला, एक एक्सटेंशन, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये ऑटोमेटिकली जो इसमें डिफ़ॉल्ट है वो है यूनाइटेड स्टेट्स का। अब देखो दोस्तों मुझे एक नया IP एड्रेस अलॉट हो चुका है और वो है यूनाइटेड स्टेट्स का IP मुझे मिल चुका है। अब मुझे इस कंपनी का IP एड्रेस मिला, मतलब ये मेरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ये मेरा ISP है अब। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि जो ISP था वो VPN कंपनी का था। अगर जैसे हम कोई नोटोरियस एक्टिविटी करते हैं तो जो साइबर सेल है, जो कॉप्स हैं, जो भी हैं अथॉरिटीज़ हैं, वो उस ISP को कॉन्टैक्ट करेंगे और वहाँ से आपके ओरिजिनल IP एड्रेस के लॉग्स ले लेंगे। और जितनी भी ऑफिशियल VPN कंपनीज होती हैं दोस्तों, ऑफिशियल बोला मैंने, ठीक है, अनऑफिशियल तो बहुत रेयर होती हैं, यू नो नाइजीरियंस वगैरह ये ऐसे काम करते हैं, तो ये इनको सबको आपके IP एड्रेस के डिटेल्स रखने होते हैं। अगर कुछ भी बात होती है तो ये आपको ये तुरंत वो IP एड्रेस के डिटेल्स लॉग्स जो भी उनसे डिमांड किए जाते हैं वो कॉप्स को या जो अथॉरिटीज होते हैं उनको हैंडल कर देते हैं। दोस्तों ट्रैकिंग को लेकर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये वीडियो उन चीज़ों के लिए नहीं बनी है। पहले तुम्हें याद होगा एक वेबसाइट होती थी सिस्टम डिटेल्स, ठीक है, अभी भी है, और भी ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। कुछ वेबसाइट होती थी जो तुम्हें ये भी बताते कि तुमने विंडोज़ किस दिन इंस्टॉल की थी, इतनी इन्फॉर्मेशन ले लेती थी तुम्हारे ब्राउज़र से ही, मतलब तुम्हारे कंप्यूटर सिस्टम से। अब जो ब्राउज़र्स हो गए हैं वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो गए हैं इस चीज़ को लेकर, धीरे धीरे इन चीज़ों को कम करते जा रहे हैं, जो असेस कर पाती हैं वेबसाइट्स। जो तुमने देखा होगा मैक एड्रेस के लिए जो जावास्क्रिप्ट वगैरह होती थी कुछ वो ब्लॉक हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे जो ब्राउज़र्स होते हैं हमारी प्राइवेसी एनोनिमिटी बढ़ाते जा रहे हैं खुद ही। अब दोस्तों बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं, VPN यूजुअली स्लो क्यों होता है? यार देखो ऐसा है, पहली बात तो देखो यहाँ पे सब कुछ एनक्रिप्शन में चल रहा है, मतलब कि एक पॉइंट से चीज़ें एनक्रिप्ट होती है, दूसरे पर डिक्रिप्ट होती हैं, यहाँ से एनक्रिप्ट यहाँ पर डिक्रिप्ट होती हैं, मेरे और मेरे सर्वर के बीच में जो एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन चल रहा है उसकी वजह से स्पीड थोड़ी सी घट जाएगी, टनलिंग हो रही है, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन हो रहा है, ऑब्वियसली घटनी है। और दोस्तों कितने लोग इस सर्वर को असेस कर रहे हैं, आप अगर फ्री VPN लोगे तो एक ही सर्वर को पता नहीं कितने लोग असेस कर रहे होंगे, पता नहीं कितने लोग यूज़ कर रहे होंगे, तो ऑब्वियसली स्पीड घटनी जाएगा। और दोस्तों एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो तुमने ध्यान ना दियो, जब तुम डायरेक्टली फेसबुक को असेस करते हो, डायरेक्टली यूट्यूब को असेस करते हो, किसी को मान लो मैं फेसबुक से कुछ डाउनलोड कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली डाउनलोड कर रहा हूं, यार जो फेसबुक का सर्वर है वो मैं बहुत बड़ा मानता हूं, बहुत ज़्यादा पावरफुल मानता हूं, उसकी अपलोडिंग डाउनलोडिंग स्पीड मेरे लिए इतनी मैटर नहीं करेगी, ठीक है, वो सफिशियंट होगी, मेरी डाउनलोडिंग स्पीड मैटर करेगी क्योंकि मैं डाउनलोड कर रहा हूं। अब ध्यान से देखना मेरी लाइन, ध्यान से सुनना, बीच में एक सर्वर आ गया, हम दोनों के बीच में एक सर्वर है, ये ले रहा है फेसबुक से और मुझे दे रहा है, तो इस सर्वर की अपलोडिंग स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। जो डाउनलोडिंग स्पीड होती है ना यूजुअली वो चीज़ों की बहुत ज़्यादा होती है, डाउनलोडिंग स्पीड इतनी मैटर नहीं करती, इस केस में सर्वर की अपलोडिंग स्पीड भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी।
देखो दोस्तों, बेसिकली वीपीएन सर्वर से हुआ क्या है, ये मैं हूँ, ये मेरा वीपीएन सर्वर है, ये मान लो फेसबुक का सर्वर है जो मुझे एसेस करना है। पहले मैं जो एसेस कर रहा था बहुत सारे रूटर से होके जा रहा था इस तक जा रहा था। अभी मैं बहुत सारे रूटर से होके जाऊंगा, ऑफ कोर्स वो तो होगा ही, लेकिन अब जो पाथ जो अब जो हमारे बीच में जो कनेक्शन है मेरे और मेरे वीपीएन सर्वर के बीच में, या कह लो मेरा प्राइवेट सर्वर जो भी कह लो, यहाँ पे बीच में पाइप है ताकि बीच में कोई मॉनिटर ना कर पाए। और एक और खासियत जो इस पाइप की है, ये पाइप क्रैक करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हमारी अथॉरिटीज वगैरह हम मानते हैं कि वो क्रैक नहीं कर पाएंगे। मान लो कि कोई हैकर ग्रुप इसे क्रैक कर देता है, हम ये मानते हैं कि हैकर ग्रुप इसके अंदर घुस जाता है किसी तरह इस पाइप के अंदर, और यहाँ से कुछ डाटा पैकेट्स उठा लेता है। पहली बात तो ये डाटा पैकेट्स हैं ही एनक्रिप्टेड, ठीक है, वो इसे डिक्रिप्ट नहीं कर पाएंगे। फिर भी यार उन्होंने डाटा पैकेट्स उठा लिए, हम कहीं ना कहीं हमारा लॉस मान लेते हैं, ठीक है। एक और कंसेप्ट आएगा आगे पैकेट्स लॉस का, आगे नेटवर्किंग के वीडियोज में, ठीक है। फिर भी जो पैकेट्स का लॉस हुआ है अगर वो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये जो लेयर होगी ये खुद का पाथ चेंज कर लेगी। बेसिकली इन अ वे ये जो लेयर होती है ये पता लगा लेती है कि जो पैकेट्स हैं इतने मिस हुए हैं कि हैकिंग अटैक हुआ है, ठीक है। कुछ पैकेट लॉस हो सकते हैं किसी और रीजन से मिस हो जाएं, ये पता लगा लेगी कि इतने पैकेट्स मिस हुए हैं कि ज़रूर कोई ना कोई लॉस हुआ है, मतलब कि सॉरी ज़रूर कोई ना कोई हैकिंग का अटैक हुआ है। इसलिए जो इसका ये पाथ था जो टनलिंग का, वो पूरा पाथ चेंज हो जाएगा। मतलब जैसे उसमें क्या था, कोई रूटर ख़राब होता था तो पाथ चेंज हो जाता था, ऑफकोर्स। यहाँ पे क्या है कि रूटर ख़राब होने से तो पाथ चेंज होगा ही होगा। अगर पैकेट्स डाटा पैकेट्स मिसिंग है, मतलब कि बेसिकली हैकिंग अटैक हुआ है, तो भी पाथ चेंज हो जाएगा। और दोस्तों बहुत सारे कंसेप्ट हैं यार इससे रिलेटेड, प्रॉक्सी है, RDP है, यू नो आपका टोर है, बहुत कुछ है। हम इन चीज़ों को अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।